ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है, हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। मगर जो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को, नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं अपने। और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार, इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं, 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई, तो नैया पार हो जाएगी। थैंक यू। आशीष सिंह। राहुल जी, लास्ट टाइम पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल जी आपने मुझे याद है कहा था, यू वर कन्विंस्ड दैट टाइम कि मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी का वक्त खत्म हो गया है। ऐसा हुआ नहीं, होता है राजनीति में। इस दफा नरेंद्र मोदी को आप कितनी बड़ी राजनीतिक चुनौती मानते हैं सर 2024 के चुनाव में? देखिए, 2019 में ये शुरू हुआ, आज ये एक तरह पीक पे पहुंच गया है, हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस उनके हाथ में हैं, पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथ में है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ईसी, ये सारे के सारे बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के कंट्रोल में है। तो जैसे मैंने अपने भाषण में कहा, क्रिकेट मैच इज अ रिग्ड मैच, क्रिकेट मैच इज नॉट अ फेयर मैच। उसमें चाहे सोशल मीडिया की बात करें, आप हमारे नेताओं के, ऑपोजिशन नेताओं के सोशल मीडिया देख लीजिए, मेरा यूट्यूब देख लीजिए, मेरा फेस टाइम देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर कंट्रोल्ड है, रिग्ड है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है, और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है, और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है, और जो 2% चाहता है, जो अदानी जी चाहते हैं, वो आप उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा, उसमें उनकी रिक्वेस्ट लिस्ट पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। थैंक यू। आखिरी सवाल, कुमार विक्रांत सिंह। राहुल जी, 2009 में आपको भी याद होगा, उस वक्त मैनिफेस्टो में दो तस्वीरें थी, मनमोहन सिंह जी की और सोनिया गांधी जी की। पूछा गया था पीएम कैंडिडेट कौन होगा, सोनिया जी ने अपनी तस्वीर छुपा ली थी। आज दो तस्वीरें हैं, राहुल गांधी जी की और खड़गे जी की, कोई तस्वीर छुपाएंगे, कोई दिखाएंगे? नहीं, ये आप बड़े डिस्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन पूछते हो। देखिए,
इंडिया गठबंधन में डिसीजन लिया गया है कि हम मिलकर एक साथ आइडियोलॉजिकल चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद लीडर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, वो पूरा का पूरा जो कोलिशन है वो मिलकर डिसाइड करेगा। थैंक यू, धन्यवाद। अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले श्री केसी वेणुगोपाल कल के कार्यक्रम के विषय में आपसे दो शब्द कहेंगे। Dear friends, today we are already released brother, he wants South Media chance.